हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। टुडे वी विल टॉक अबाउट ए लेटर लेटर टू द बैंक मैनेजर फॉर इशूइंग न्यू एटीएम कार्ड। नए एटीएम कार्ड को इशू कराने के लिए बैंक मैनेजर को लेटर लिखना है, तो हमें इसीलिए जो लेटर कैसे लिखा जाता है कि नया एटीएम कार्ड आप बनवाना चाहते हो, टू द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, आप उस बैंक का नाम लिख सकते हो, PNB लिख सकते हो, कैनरा बैंक लिख सकते हो, तो जो भी बैंक है जिस शहर में है उसका नाम लिख दीजिए। अम्बाला, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में लिखा रिक्वेस्ट लेटर फॉर ए न्यू ATM कार्ड। नए ATM कार्ड के लिए हमें रिक्वेस्ट डालनी है, डियर मैडम या डियर सर, दिस इज़ ए काइंड रिक्वेस्ट टू इशू मी ए न्यू ATM कार्ड। कि आपके प्रार्थना की जाती है कि आप मुझे एक नया ATM कार्ड इशू कर दीजिए, बिकॉज माई प्रीवियस कार्ड इज़ नॉट वर्किंग। प्रीवियस कार्ड जो है कि मेरा जो पहला कार्ड था वो काम नहीं कर रहा, मतलब कि उससे जो हम आई कुड नॉट बी एबल टू मेक एनी ट्रांजेक्शन इन ATM सेंटर्स। कि मैं जो पुराना ATM कार्ड था मेरा, उससे मैं किसी भी तरह से जो ट्रांजेक्शन है पैसे निकलवा नहीं पा रहा हूँ, वो या तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, ख़राब हो गया है, या किसी उसमें कोई टेक्निकल एरर की वजह से मैं इसे पैसे नहीं निकलवा पा रहा हूँ। प्लीज़ इशू मी ए न्यू ATM कार्ड फॉर माय अकाउंट। कृपया मेरे अकाउंट के लिए एक नया ATM कार्ड मुझे इशू कर दीजिए। आई हेयर विद एनक्लोज All the necessary documents with this letter. I here with enclosed का मतलब है कि मैंने इस पत्र के साथ, लेटर के साथ जो भी necessary document आपको चाहिए थे, आधार कार्ड हैं और जो document होते हैं वो सभी documents इसके साथ जोड़ दिए हैं। Please do the needful. कृपया आवश्यक, जो needful होता है आवश्यक कार्रवाई करें, कि जो ज़रूरी कार्रवाई है इसके मेरा ATM कार्ड बना नए इशू करने के लिए वो आप करें। थैंकिंग यू, धन्यवाद। यूअर फेथफुली होता है विश्वास पत्र। तो आगे हमने नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर, डेट ये लिखना है। तो इस तरह से हम अगर नए ATM कार्ड को किस तरह से इशू करवाने के लिए लेटर लिखना ये लिख सकते हैं। तो कई बार एग्जामिनर कुछ नए टॉपिक दे देता है जिन पे हमें लिखना होता है, तो इसलिए हमने ये एक नया लेटर था जो हमारी बुक्स में नहीं होता है इस तरह के लेटर। तो आप इसको लिखें और लर्न करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे कुछ नए टॉपिक के ऊपर लिखने की। और मिलते हैं कुछ किसी नए लेटर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।